हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ सीएजेसी सवानी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आधार और पैन लिंक नहीं करवाने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो जुड़िए रहे एंड तक। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं देन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लाती रहती हूँ जो बहुत यूजफुल होती है। तो आइए चलो जानते हैं कि आधार और पैन लिंक नहीं करवाने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक ही हमारा आ जाता है कि केवाईसी। आपको सभी को पता होगा कि बहुत सारी जगह पे हमें आधार और पैन कार्ड दोनों सबमिट करवाना रहता है हमारे केवाईसी पर्पस के लिए। तो स्पेशली देखा जाए तो बैंक है, डीमैट अकाउंट है, म्यूचुअल फंड है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए हमें आधार और पैन कार्ड दोनों केवाईसी के लिए सबमिट करवाना रहता है। तो जब हम आधार और पैन कार्ड नहीं लिंक करवाने पर हमारा पैन कार्ड इन ऑपरेटिव बन जाएगा, तो इसका हम केवाईसी के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी केवाईसी हमारा कंप्लीट नहीं हो सकता है। देन डिस्कस करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न ही फाइल नहीं कर पाओगे, और जो भी हमारा ITR पेंडिंग ITR है वो प्रोसेस ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो गया है। देन जो भी TDS कटेगा, वो हायर रेट से कटेगा। देन जो भी TDS कटा है हमारा, उसका रिफंड नहीं मिलेगा, क्योंकि रिटर्न नहीं फाइल कर सकते, तो TDS भी हायर रेट से कटेगा एंड जो भी TDS कटा है उसका रिफंड भी नहीं मिलेगा। देन जो हमारा इनकम टैक्स रिटर्न हम नहीं कर फाइल कर पाएंगे, उसका ओवरऑल देखा जाए तो TDS हायर रेट से कटेगा, TDS रिफंड नहीं मिलेगा, और जो भी बिजनेस का लॉसेस है वो हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर पाएंगे, लॉसेस कैन बी कैरी फॉरवर्ड। देन अनएबल टू अप्लाई फॉर अ लोन। लोन के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, कोई भी लोन के लिए ये आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ITR की लोन, एक्चुअली लोन के लिए जब अप्लाई करते हैं तो ITR मांगते हैं, तो ITR ही नहीं फाइल कर पाते हैं, देन लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। देन बैंक ट्रांजेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबका ऐसा रहता है कैश डिपॉजिट एंड विदड्रॉवल मोर देन ₹50,000 रहता है। तो जब पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाने से हम पैन कार्ड ही नहीं सबमिट कर सकते हैं, स्पेशली इस ट्रांजेक्शन में, तो ये ट्रांजेक्शन भी हम नहीं कर पाएंगे, कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल मोर देन ₹50,000 हम नहीं कर सकते हैं। देन हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन्स है, जैसे कि घर लेना, कार लेना, इन्वेस्टमेंट करना है, ये कुछ भी हम नहीं कर सकते हैं, यानी हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के लिए भी पैन कार्ड जरूरी रहता है, और इस केस में भी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड ही इनऑपरेटिव हो गया है। सबका क्वेश्चन है कि 31 मार्च 2023 के बाद क्या हम लिंक कर सकते हैं, तो इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन हमारे पास अभी तक अवेलेबल नहीं है कि 31 मार्च 2023 के बाद क्या लिंक कर सकते हैं या नहीं, बट हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके लिए कोई प्रॉपर गाइडलाइन इश्यू करें, बट अभी तक तो यही कह सकते हैं कि पैन कार्ड इन ऑपरेटिव हो जाएगा अगर आपने 31 मार्च 2023 से पहले लिंक नहीं करा है। तो अगर आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड में कोई भी इश्यू आ रहा है, दिक्कत आ रही है, तो इसके लिए डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है, इसकी लिंक भी इसमें डाल दूंगी, और पैन कार्ड और आधार कार्ड कैसे लिंक करना है उसकी भी एक डिटेल वीडियो मेरी चैनल पे अवेलेबल है, उसकी भी लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप देख सकते हो। तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू आपके नॉलेज में ऐड हुई है, देन प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।